हेलो गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। गाइज, आज के इस डेली जी के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2018 की कुछ इंपॉर्टेंट जी के पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अजरबैजान के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और अजरबैजान के बीच 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कितने? 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। और ये जो हस्ताक्षर हैं, तो इसके तहत क्या है, इन हस्ताक्षर के तहत क्या है कि राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट और राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग के लिए इन 2 हस्ताक्षरों को किया गया है। यानी कि जो हस्ताक्षर हैं, यानी जो एग्रीमेंट्स हैं, ये किसके लिए हुए हैं? तो ये एग्रीमेंट हुए हैं राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट और राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग के लिए ये एग्रीमेंट्स किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है अजरबैजान की, तो हम जान लेते हैं यहाँ पर अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पर अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इल्हाम और अलीयेव। कौन है? अलीयेव, इल्हाम अलीयेव इसके राष्ट्रपति हैं। और इसकी जो राजधानी है वो है बाकू, यानी कि जो अजरबैजान की राजधानी है वो बाकू है। और अगर हम बात करें मुद्रा की, तो इसकी जो मुद्रा है अजरबैजान की वो है अजरबैजनी मनत। क्या है? अजरबैजनी मनत। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चा की जा रही थी अजरबैजान की। तो उसके जो राष्ट्रपति हैं वो इल्हाम अलीयेव हैं, राजधानी इसकी बाकू है और इसकी मुद्रा क्या निकल कर आ जाती है? अजरबैजनी मनत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, भारत कोरियाई संयुक्त समुद्र विरोधी चोरी खोज और बचाव अभ्यास सहयोग ह्योब्लेओग 2018 का आयोजन किस तट से किया गया। तो दोस्तों, जो ये सॉरी तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत कोरियाई संयुक्त समुद्र विरोधी चोरी खोज और बचाव अभ्यास सहयोग, जिसको हम बोलते हैं ह्योब्लेओग 2018 का आयोजन किस तट से किया गया। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन है ये तमिलनाडु में चेन्नई तट से किया गया। कहां पर किया गया? ये तमिलनाडु के चेन्नई तट से किया गया इसका आयोजन, ठीक है। और जो इस आयोजन में कोरियाई तटरक्षक जहाज बोडारो ने अभ्यास में भाग लिया। कौन से जहाज ने अभ्यास में भाग लिया? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए तहत हो जाता है, तो जान लेते हैं। तो इस भारत कोरियाई संयुक्त समुद्र विरोधी अभ्यास में, इसमें जो है कोरियाई तटरक्षक जहाज किसने भाग लिया, जिसका नाम था बोडारो। किसने भाग लिया? बोडारो जहाज था जिसने इसमें भाग लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जान लेते हैं कि जो भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं वो हैं इस समय राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह कौन है? भारतीय तटरक्षक के जो महानिदेशक हैं वह हैं इसमें राजेंद्र सिंह। और कोरियाई तटरक्षक के आयुक्त जनरल पार्क ये हैं क्योंग। तो जो कोरियाई तटरक्षक बल के आयुक्त हैं वो है जनरल पार्क क्योंग। कौन है? जनरल पार्क क्योंग। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए अगर भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक तो वो हैं राजेंद्र सिंह, और जो कोरियाई तटरक्षक बल के आयुक्त हैं वो हैं जनरल पार्क क्योंग, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में नेपाल की प्रधानमंत्री ने भारत की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। तो इनका जो नाम है, तो आप अच्छे से परिचित होंगे, इनका नाम है केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के इसमें मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने भारत की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये यात्रा किसके लिए की जा रही है। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा व्यापक सहकारी समझौते की समीक्षा करने और आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा। तो दोस्तों, इस यात्रा के द्वारा क्या बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं? तो ऐसा जो विदेश मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि यह यात्रा व्यापक सहकारी समझौते की समीक्षा करने और आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जान लेते हैं नेपाल की राजधानी, यहाँ पर बात की जा रही है नेपाल की। तो नेपाल की जो राजधानी है, राजधानी क्या है, आप जानते होंगे, काठमांडू।
और अगर हम बात करें यहाँ पर मुद्रा, तो वो है क्या, नेपाली रुपया। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, केपी शर्मा ओली। अगर इनका पूरा नाम हम बात करें तो यहाँ पर इनका नाम होता है खड़ग प्रसाद ओली। क्या नाम होता है, के मतलब खड़ग प्रसाद ओली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समुद्री दिवस। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल मैरिटाइम डे, ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो है 1964 से हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से इसकी शुरुआत की गई थी, 1964 से ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि सुरक्षा समाधान प्रदाता सीमेंटेक, दोस्तों एक कंपनी है सुरक्षा समाधान प्रदाता सीमेंटेक, ठीक है, के द्वारा एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में साइबर खतरों जैसे कि मेलवेयर, स्पैम और रैंसमवेयर के मामले में कौन सा देश तीसरा सबसे कमज़ोर देश बनकर उभरा है। तो दोस्तों इसमें जो तीसरा सबसे कमज़ोर देश बनकर उभरा है किसकी, सीमेंटेक की रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है भारत। कौन सा देश है, भारत, जो कि इसमें तीसरा सबसे कमज़ोर देश बनकर उभरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको कलेक्ट किया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल कर आ रहा है हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक लाठेर, ये पॉइंट ये जो है, सॉरी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, दीपक लाठेर, इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिए। इन्होंने पदक जीतने वाले, पदक की गया है यहाँ पर, तो हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक लाठेर पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा भारोत्तोलक बन गए हैं, यह किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल खेले जा रहे हैं, जो कि जिनका आयोजन 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच होगा, 4 से 15 अप्रैल तक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है सबसे युवा पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा भारोत्तोलक बन गए हैं, तो वो कौन बन गए हैं, दीपक लाठेर बन गए हैं। और इन्होंने ये, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये किस राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। किस राज्य से संबंधित हैं, हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि ये हरियाणा से संबंधित हैं। और इनकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष के हैं, इनकी जो उम्र है ये कितनी है, 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे युवा भारत के भारोत्तोलक बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।